माननीय सभापति महोदय, सुबह से मांग संख्या 40 और 45 के ऊपर पक्ष और विपक्ष के दोनों ही माननीय विधायक अपनी अपनी बात कर रहे हैं और पक्ष के सदस्यों ने भी आलोचना के आधार के ऊपर सरकार का ध्यान इंगित करने का काम किया और प्रतिपक्ष के सदस्यों ने भी किया। मैं सभापति महोदय इन दोनों ही दावों को खारिज करता हूं। सरकार बेहतरीन काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा और सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की है। कौन कहता है कि विकास नहीं हुआ? सभापति महोदय, मेरे चौमू की नगर पालिका है, पिछले 2 साल के अंदर 21 ईओ चेंज किए गए। पहले सलीम का ईओ था, उसको हटाया, सूर्यकांत को हटाया, अजय अरोड़ा को हटाया, पवन कुमार को हटाया, सरिता को हटाया, शुभम को हटाया, फिर सलीम आ गया, सलीम को हटाया, फिर ऋषभ देव को हटाया, फिर सलोनी को हटाया, फिर वर्षा को हटाया, फिर लोकेश सैनी को हटाया, फिर वर्षा को हटाया, फिर हेमेंद्र को हटाया, सहदेव चारण आ गया, फिर हेमेंद्र आ गया, हेमेंद्र को हटाया, फिर देवेंद्र जिंदल आ गया, फिर देवेंद्र को हटाया, फिर सज्जन कुमार आ गया, फिर देवेंद्र आ गया, फिर देवेंद्र को एपीओ कर दिया, देवेंद्र कोर्ट स्टेट लेकर आ गया, फिर शिव कुमार आ गया, फिर जितेंद्र आ गया। साहब इतनी प्रोग्रेस मैंने इतिहास के पन्नों में कभी नहीं देखी साहब, 21 ईओ चेंज किए। और फिर सरकार ये कहती है कि हम ईओ कर निर्धारक को नहीं लगाएंगे, फिर भी उसके बावजूद भी ईओ कर निर्धारक को हमारे जितेंद्र कुमार को लगा दिया। अब मुझे ये पता नहीं है कि सब लोग कह रहे हैं कि शांति धारीवाल जी बहुत मजबूत आदमी है, कठोर आदमी है, जिद के पक्के आदमी है, फिर भी ये किसके दबाव में है, ये मेरी समझ से परे है। इसलिए मेरा निवेदन है अगर नियम विरुद्ध ईओ लगा हुआ है तो सभापति महोदय इसको तत्काल हटाया जाए, नंबर एक। दूसरी सरकार की उपलब्धि बताता हूँ सभापति महोदय, मेरी नगर पालिका चौमू के अंदर एलईडी की खरीद की गई, एलईडी की जांच की गई, जांच के अंदर डीडीआर ने कहा कि अनियमितताएं हुई है और डीडीआर ने लिखा कि विजिलेंस इसकी जांच करके आवश्यक कार्रवाई करे। डीएलबी विजिलेंस को पत्र लिखने के बावजूद भी 1 साल से विजिलेंस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये प्रगति है। तीसरी प्रगति बता रहा हूं सभापति महोदय, तीसरी प्रगति यह है कि मैंने विजिलेंस के अंदर कहा कि मेरे चौमू नगर पालिका के अंदर 3 करोड़ रुपए की पाइपलाइन डाली गई है, जहां पानी की एक बूंद नहीं है वहां पाइपलाइन डाल गई, जहां पानी पहुंचने की संभावना नहीं है फिर भी पाइपलाइन डाल दी गई। भ्रष्टाचार इतना कि जहां डालनी चाहिए वहां डाली नहीं। विजिलेंस कलेक्टर के यहाँ सतर्कता समिति में लगाया, उसकी जांच एसी को दी, एसी आज दिन तक उसकी 6 महीने में जांच ही नहीं पूरी कंप्लीट नहीं की, आज भी जांच पेंडिंग है। ये सरकार की उपलब्धि है। और तीसरी बात सरकार की उपलब्धि है सभापति महोदय, नगर पालिका चौमू का बिजली का 14 करोड़ रुपए बाकी है। कल ही बिजली विभाग ने 48 कनेक्शन रोड लाइट के काट दिए, पूरा शहर अंधेरे के अंदर है और बिजली विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी स्पष्ट रूप से यह दी है कि कल तक पैसे जमा नहीं कराए तो पानी के ट्यूबवेलों के कनेक्शन भी काटे जाएंगे। ये सरकार की उपलब्धि है, पूरा शहर अंधेरे के अंदर है और पानी की अगर कनेक्शन कट गए तो आम आदमी सड़कों के ऊपर आ जाएगा। सभापति महोदय विषय गंभीर है, सरकार इस ओर ध्यान दे। एक सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सरकार कैसा काम कर रही है मेरे यहाँ पट्टा बनाने के लिए। देखो एक बात के लिए सरकार को धन्यवाद है, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है, ये कई मान्य सदस्य कर रहे हैं सदस्य सरकार भेदभाव कर रही है, कोई भेदभाव सरकार नहीं कर रही, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। मेरे यहाँ चौमू के अंदर श्रीमती शांति देवी वैभव देवीसाई योगी 23/6/2022 पट्टा बनवाने के लिए रसीद कटाई, पुस्तक संख्या 441, क्रमांक संख्या 41, रसीद कटी 501 रुपए की। और इसी दिन एक और रसीद उसी नगर पालिका के अंदर श्रीमती शांति देवी देवीसाय योगी दिनांक 23/22 पुस्तक संख्या 431 क्रमांक 99 रसीद कटी 10,500। मतलब दो प्रकार की रसीदें नगर पालिका में छपी हुई है, रिकॉर्ड के अंदर ली गई 501 रुपए की और प्रार्थी को दी गई 10,500 रुपए की। इसकी भी जांच नहीं हुई। अब सभापति महोदय जो मैंने पहले बात की कि नगर पालिका किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नाम नहीं लूंगा, बहुत वरिष्ठ है, पुराने ता जिंदगी कांग्रेस को वोट और नोट दोनों दिए। उनकी नगर पालिका का चेयरमैन आ गया तो उसने सोचा कि मेरी सरकार आ गई, तो उन्होंने बाजार के अंदर दुकान थी,
बाजार के अंदर दुकान थी, उस दुकान का जीर्णोद्धार कराने के लिए ठंडी कर दी, दुकान बनाने लगे तो नगरपालिका के लोग आके बैठ गए। नगरपालिका के लोगों ने कहा कि अरे मैं तो कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता हूँ, कि साहब चेयरमैन से मिलो। चेयरमैन से मिले, लाखों रुपए देने पड़े, तब जाके दुकान बनी है। तो मैं इस सिरे को खारिज करता हूँ कि किसी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पैसे देने पड़ रहे हैं, आम आदमी को पैसे देने पड़ रहे हैं। तीसरी बात निवेदन करूंगा सभापति महोदय कि आज जिस तरीके से भेदभाव नहीं करें किसी को, सबसे समान। एक सभापति महोदय मेरा आपसे निवेदन है कि आज हालात क्या है। अभी विधाननगर से आने वाले मान्य सदस्य कह रहे थे, मैं भी इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से गुजरता हूं, आप भी उधर से गुजरते हैं, बरसात के दिनों के अंदर नगर निगम को नाव की व्यवस्था करनी चाहिए, टहर के बालाजी से लेकर और आपके विधाननगर डिपो तक नहर चलन वो नाव चलानी चाहिए, इतना बरसात का पानी पड़ता है। फिर आगे वहां 14 नंबर चले जाओगे तो 14 नंबर के ऊपर भी यही स्थिति है, पानी निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। लाखों रुपए खर्च करने का काम करते हैं, वाहवाही लूटने का काम करते हैं, लेकिन हालात यह है कि हर साल उनको बजट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बरसात का पानी जब तक सड़कों पे नहीं आएगा सड़कें कैसे टूटेगी और फिर सड़कें दोबारा कैसे नहीं बनेगी, इसलिए बजट की आवश्यकता पड़ती है। सभापति महोदय मेरा आपसे निवेदन है, आज कमला नेहरू नगर की क्या स्थिति है, वहां बिसलपुर के पानी की लाइनों की वजह से सड़कों को तोड़े हुए कई महीने बीत चुके, वहां सिवरेज डालने की वजह से सड़कें टूटे हुए कई महीने बीत चुके, वहां आज भी सही स्थिति नहीं है। मेरे चोमू के अंदर सिवरेज की घोषणा की गई, इसी सदन के अंदर की गई, क्या फोर्थ फेज के अंदर चोमू में सिवरेज प्लान डाली जाएगी, फिर बाद में कहा कि आपका एसटीपी प्लान तो कैंसिल हो गया, अब रिवाइज प्लान बना रहे हैं, आज दिन तक सिवरेज कब डलेगी, आज भी चोमू के वासिंदे इंतजार करें। सभापति महोदय अगर सरकार की करने की मंशा नहीं है तो घोषणाएं करने की आवश्यकता नहीं है कतई, वो कहते ना घर में नहीं है दाने अंबा चनी बुनाने, तो जब बजट नहीं है घोषणाएं क्यों करते हो, जितना पैसा है उतनी घोषणाएं करें। दूसरी आपसे निवेदन करूंगा सभापति महोदय, मेरा नगरपालिका क्षेत्र और 3 ग्राम पंचायतें जीएडीए की पेराफेरी के अंदर आती है, जीएडीए ने सारी जमीनें अपने नाम करवा ली, अब वहां आबादी विस्तार करना है तो जमीन नहीं है, वहां अगर सुविधाएं विकसित करनी है तो जमीन नहीं है, वहां स्कूल खोलनी है तो जमीन नहीं है, सब सेंटर खोलना है तो जमीन नहीं है, जेडीए सारी जमीनों को कॉलोनी डेवलप करके बेचने का काम कर रहा है और वहां स्थानीय ग्राम पंचायत आज भी विकास के लिए तरस रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हमारी सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत को 50 लाख रुपए दिए थे विकास के लिए, मैं चाहूंगा ये सरकार भी 50 लाख रुपए की राशि उन ग्राम पंचायतों के अंदर दे और कम से कम कुछ जमीनें तो उन ग्राम पंचायतों को रिजर्व करने के लिए दे। एक सभापति महोदय मेरे यहाँ हाउसिंग बोर्ड की जमीन काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी है, उस हाउसिंग बोर्ड का भी जो निस्तारण करना चाहे वो निस्तारण करने का काम करें। रिंग रोड जो आपकी बनी थी किसानों का मुआवजा आज भी बाकी पड़ा हुआ है, इसलिए वो किसानों को मुआवजा भी जल्दी दिलाने का काम करें। एक सभापति महोदय मेरे जिले के अंदर सांबर का चेयरमैन कांग्रेस का था, रिश्वत के अंदर पकड़ा गया, 1 महीना हो गया, अब तक भी उसको निलंबन करने का काम सरकार ने नहीं किया, मैं चाहूंगा कि जेल में है सरकार तत्काल उसको निलंबन करने का काम करे। और सभापति महोदय आपसे मेरा निवेदन है, वन के बारे में भी सबने चर्चा की, मेरा एक सुझाव है विराटनगर से आने वाले सदस्य, बस 1 मिनट सभापति महोदय, आज भी वन क्षेत्र के अंदर या जहां पहाड़ी क्षेत्र है जो फॉरेस्ट का क्षेत्र है वहां पर एनिकट बनाने के लिए आप अलाउ करोगे कि विधायक कोटे से एनिकट बना सकते हो, पंचायत समिति के मत से छोटे एनिकट बना सकते हो, नियमों में बना सकते हो, तो इस बरसात के पानी को इकट्ठा करके वाटर रिचार्ज भी कर सकते हैं, पेड़ों में डालने के लिए पानी भी दे सकते हैं, इसलिए सरकार को इस नीति के अंदर भी संशोधन करना चाहिए। और एक अंतिम मेरा निवेदन है सभापति महोदय, यहाँ जेडीसी अभी चले गए तत्कालीन हमारे शिखर अग्रवाल जी थे, उन्होंने 36 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, मेरे यहाँ सामो से लेकर वीर हनुमान जी की सड़क जो फॉरेस्ट में उसका डाइवर्जन कंप्लीट हो चुका, 9.5 हेक्टेयर जमीन का 7.1 किलोमीटर की सड़क है, आज दिन तक फॉरेस्ट उसकी एनओसी नहीं दे रहा, अगर वो एनओसी दे दे तो यात्रियों को काफी लाभ मिले। और एक बद्दुआ सरकार को लगेगी, सभापति महोदय बद्दुआ सरकार को लगेगी, मेरे बालाजी का रोपवे 4 साल से बंद पड़ा हुआ है, बालाजी टुकड़ टुकड़ देख रहे हैं, उनके श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं, विकलांग कोई चढ़ नहीं सकता, बीमार आदमी चढ़ नहीं सकता, 60 साल से ऊपर का 1000 सीढ़ियां चढ़ नहीं सकता, ये बद्दुआ सरकार की सरकार को लगेगी। मैं चाहूंगा सरकार तत्काल उस रोपवे को चालू करने का काम करे, आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।